हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करती हूँ सभी कोई अच्छे होंगे, हम लोग सब भी ठीक है। और आज है दिन मंगलवार का, तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से। उम्मीद करूँगी अच्छा लगेगा आप सबको। तो गला अभी तक मेरा वैसे ही है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सर्दी जुकाम हो रखा है सबको। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ सबके लिए, सभी कोई फ्रेश हो गए हैं, तो सुबह सुबह सभी कोई गर्म पानी पीते हैं। तो एक ही बार में बड़ा पतीली में ही गर्म करती हूँ ताकि सुबह सुबह सबका पानी हो जाए। यहाँ पे एक साइड में दूध भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। और अभी सुबह सुबह ना थोड़ा सा भागा दौड़ी होता है, तो ऐसे ही करके मैनेज हो रहा है सब। सुबह सुबह ठंडी भी है। ठंड बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ बर्फ भी जम गई है, स्नोफॉल स्नोफॉल भी होने वाला है। फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गया था, तो उसे ड्रेन करने के लिए रात में छोड़ दिए थे। पूरा घर में पानी पानी हो गया था और कुछ बर्फ़ का टुकड़ा इस तरह से गिरा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो उसे निकाल दिया है। और फ्रिज को भी पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ा, पानी पानी हो गया था फ्रिज भी। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा, एकदम शॉर्टकट तरीके से ढेर सारा वेजिटेबल डाल के। ठंड में ना यही एक मज़ा है, अगर आप कुछ बना रहे हैं ना तो यहाँ पे हरे भरे सब्जी इतने मिलते हैं ना विंटर के टाइम में कि कुछ भी बनाओ आप स्वाद ना दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ढेर सारा वेजिटेबल को फ्राई करने के बाद नमक हल्दी डाल दिया है। पोहा को मैंने 15 से 20 मिनट तक ऐसे भीगने के लिए छोड़ दिया था, ये भी अच्छे से फूल चुका है। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़े से गोभी को भी मैंने फ्राई करके रखा था, बादाम भी साथ में फ्राई किया हुआ है, तो सब चीज़ों को मैंने मिला दिया है। और रेडी है हमारा आज का नाश्ता। और यहाँ पर सुबह सुबह ना सीरीज लग गया है, तो ये लोग दोनों ही नहीं सभी को ये सीरीज देख रहे हैं बैठ के। एक काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लंच का तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैंने बनाया था अंडा करी और साथ में चावल, एकदम जो है ना शॉर्टकट वाला जो बोलते हैं वो बनाया था। आज ज़्यादा कुछ सब्जी वगैरह दाल वगैरह ये सब नहीं बनाया था, तो अंडा करी बनाई थी। दिन भी अच्छा था, मंगलवार का दिन था, तो मैंने प्याज यहाँ पर लेके बैठी हूँ चॉप करने के लिए, साथ में लहसुन भी है। आज भी यार अब स्कूल नहीं गया, इस वजह से थोड़ा भागा दौड़ी कम था सुबह के टाइम में, जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ा, सब मैं आराम से ही की हूँ। हाँ, मतलब नहीं है, पुलिस पकड़ेगा, मत जाओ। और यहाँ पे हमारा लंच भी कंप्लीट हो गया है, अंडा कड़ी बनाई हूँ साथ में चावल, तो कुकर में रखूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले सब्जी ही बनाई हूँ और थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा लंच आज, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस निकलना था, तो मैं सोची कि उनको भी टिफ़िन वगैरह दे दूँ, तो उनके लिए ही थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। कुछ सैलड यहाँ पे मैं चॉप कर लूँगी, खीरा गाजर और बीटरूट है, तो सैलड अभी हर दिन ही खाना हो रहा है हम लोग का, या तो ब्रेकफास्ट में हो, अगर ब्रेकफास्ट में रोटी वगैरह बनाते हैं तो सैलड कट कर देते हैं, और लंच के टाइम में तो हर दिन ही खा रहे हैं हम लोग अभी। टाइम हो गया है हस्बैंड का ऑफिस जाने का, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का, वो निकलेंगे अभी। और आरब जाने नहीं दे रहा है कि पापा नहीं चाहिए, घर में घर से ही काम करिए। और यहाँ पे आ गया है हमारा नया मेहमान, तो दो गोल्डन, आई थिंक गोल्डन फिश ही है ये, तो अभी जस्ट राहुल और बेटा दोनों ही मिलके लेके आया है। और ये थोड़ा बड़ा साइज़ में है, तो हम लोग वही इसे डाल रहे थे अभी। और छोटे छोटे जो फिश थे ना पहले के, वो पता नहीं छूट जाता है, तो मिल नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ दोनों को, और अभी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि फिशेस है ना थोड़ा बड़ा बड़ा रहे तो अच्छा लगता है, और छोटा छोटा सब इतना बड़ा एक्वेरियम में कहाँ गुम हो जा रहा था।
एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। तो सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम में, क्योंकि मैंने और बीच में कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का। सभी कोई नीचे में है, वॉक कर रहे हैं। मैं आज फिलहाल नहीं गई हूँ, थोड़ा सा गला का अवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, तो ठंड में जाऊँगी तो फिर बढ़ जाएगा। तो मैं घर ही में हूँ, और जो जो पेंडिंग काम था वो सब मैं कर रही थी। थोड़े से मलाई भी रखा हुआ था, उसका मैंने घी बनाया, और शॉर्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, मैंने शॉर्ट वीडियो उसका बनाया हुआ है। तो घी भी बन गया है, और डिनर का जो तैयारी है ना वो भी मैंने कर लिया है। आज सोच रही हूँ हरे मटर का पराठा बनाऊंगी, तो वो भी मैंने मटर वगैरह छील के रखा है, और टाइम तो 7:15 करीब हो गया है, तो होते होते हो ही जाएगा। और आरब गया है नीचे उसकी दादी और दादू के साथ, मैं हूँ घर में। तो अभी अच्छा, सुबह सुबह मेरे घर में नया मेहमान आया था, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो अभी छोटे छोटे फिशेज ना आरब चित्तावर मार्केट जा रहा है ले लेके आ रहा है, करीब 8 फिशेज हो गया है घर में, अच्छा भी लग रहा है देखने में। और उसको पता नहीं क्यों इतना क्रेविंग हो रहा है, वो खाता वगैरह है नहीं, लेकिन उसे फिश रखने का बहुत शौक है। कोई सारा तैयारी हो गया है, थोड़ा सा पनीर भी था फ्रिज में, तो मैं सोच रही हूँ कि मिक्स करके बना दूँ मटर और पनीर को, काफ़ी अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे पनीर को घिस ले रही हूँ, साथ में मटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और थोड़े से लहसुन अदरक और हरी मिर्च को ना इस तरह से चॉप करके रखी हूँ। तो पूरा रेसिपी आप लोग को मिल जाएगा, अभी विंटर के टाइम में यही सब खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पराठे वगैरह। पनीर को घिस के मैंने यहाँ पे साइड में रख लिया है। पैन में मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, तेल अच्छे से गर्म हो गया था। अभी कटा हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक, थोड़े से लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करना है। हल्का सा भूनने के बाद इसमें मटर के पेस्ट को हम डाल देंगे। तो आप लोग चाहें तो थोड़ा दरदरा रख सकते हैं, मैंने एकदम ही पेस्ट कर लिया है, क्योंकि ना ये दरदरा पिसा नहीं रहा था, और जैसे ही सोच रही हूँ कि दरदरा ही करूँ, बट इसका कुछ कुछ पार्ट जो है ना वो खड़े खड़े रह रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा पानी डाल के ना इसका एकदम पेस्ट ही बना लिया है। बट ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के ना अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद मसाला मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, हल्का सा आमचूर का पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, इससे ना काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसका जब तक पानी सूखता है तब तक हमें भूनना है। ये देख सकते हैं पैन अभी छोड़ नहीं रहा है, पैन में किस तरह से स्टिकी हो जा रहा है। जैसे इसका सारा पानी सूख जाएगा ना, ऑटोमेटिक पैन ये छोड़ देगा। अभी इसमें हम पनीर को ऐड करेंगे एकदम एंड में, क्योंकि ज़्यादा पनीर को हम नहीं पकाएंगे, हल्का सा ही पकाना है। तो चलिए फटाफट से इसे मिक्स करते हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला का पाउडर डाला था, इससे खुशबू बहुत अच्छा आता है। चलिए जी, हमारा मिक्सर अच्छे से रेडी हो गया है, मैंने इसका सारा पानी सुखाने तक इसे पका लिया है। अभी ठंडा होने के लिए एक प्लेट में मैं इसे रख दूंगी, जैसे ये ठंडा होगा इसके हम फटाफट पराठे बनाना शुरू कर देंगे। तो आज जैसे कि मैंने घी बनाया था थोड़ा सा, तो वो भी ठंडा हो गया है, उसे भी मैं जार में डाल के रख दूंगी। और इस बार जो है ना घी मेरा एकदम ख़त्म हो गया है, आप लोग देख सकते हैं जार पूरा खाली है, थोड़ा सा ही बस अभी जो बना उसी में डाल दे रही हूँ। तो विंटर में पराठे वगैरह बन रहा है ना, तो इसके लिए घी का बहुत ज़रूरत पड़ता है। आटा सेट हो चुका था, तो मैंने लोइयों में इस तरह से स्टफिंग डाल के रख लिया है पहले ही। एक ही बार में बेलना शुरू करूँगी ना, तो फिर जल्दी हो जाएंगे सब कुछ। और आरब एक साथ में पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों ही चीज़ हो रहा है, उसे मैं कुछ कुछ बताते जा रही हूँ यहाँ से, और पराठे भी बन रहे हैं साथ में। जब ये स्टफिंग वाला पराठा बनाइएगा ना, तो एकदम हल्के हाथों से उसे बेलना होता है। जितना हल्के हाथों से बेटिएगा पराठा, उतना अच्छा बनेगा, स्टफिंग पूरा बराबर रहेगा अंदर में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं पराठे एकदम नहीं फटे हैं और काफ़ी अच्छा बनाया है, और ये ना खिलते भी बहुत अच्छा है। तो इसे गरम करके तवा में अच्छे से डालें, तवा गरम रहेगा तभी आपके पराठे जो है ना वो सॉफ्ट बनेंगे। इसे मैंने घी से अच्छे से सेक लिया है और आप लोग देख सकते हैं पराठा जो है ना परफेक्टली कुक हो गया है। तो इसी तरह से हम सारा पराठा बेल के ना रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ अपना व्लॉग को, उम्मीद करूँगी आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।